जी भाई, ये आपके बाबा जी क्या नहीं भाई, मैं सबसे पहले ये सवाल करना चाहता हूँ कि आज जमहूरियत कहाँ पर जिंदा रही? जमहूरियत के अंदर आज पुराने शहर के अंदर 144 सेक्शन क्यों लागू किया? क्या हैदराबाद के अंदर कोई दंगा फसाद या कोई माहौल ख़राब करने वाला काम है? जमहूरियत के अंदर हर एक को हक है, जैसा मुझे हक है, हैदराबाद के हर इंसान को हक है कि वो अपनी, यानी हिंदुस्तान के हर इंसान को हक है कि वो अपनी जमहूरियत को इस्तेमाल कर सकता है। और मैंने जमहूरियत को इस्तेमाल किया, मैंने मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन से इस्तीफ़ा दिया, कांग्रेस पार्टी के अंदर शमूलियत इख्तियार की। जब कांग्रेस पार्टी के अंदर मैंने शमूलियत इख्तियार की, मैं आज से 3 दिन पहले पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर परमिशन के लिए डाला गया, और आज जब रैली है, रैली से 3 घंटे पहले मुझे इत्तला दी जाती है कि मेरा परमिशन रिजेक्ट कर दिया गया। और उसके बाद मुझे बोला गया कि जीप में ना जाए, उसके बाद मुझे बोला गया कि अकेले जाए, उसके बाद मुझे बोला जाए, हत्या ये हो गई कि बुरखा पहन के जाना चाहिए। ये इंतहाई जुल्म है। मैं गांधी भवन जाऊंगा, अगर पुलिस वालों को है मुझको अरेस्ट करना तो अरेस्ट करने के लिए मैं तैयार हूँ। मुझे या तो गांधी भवन जाने दो या फिर मुझे अरेस्ट करो। ये जमहूरियत के अंदर बताइए, आज हैदराबाद के अंदर ऐसी क्या बात हो गई कि 144 सेक्शन लागू कर दिया गया? ऐसी क्या बात है? मैं मीडिया के साथ मेरे साथियों से भी सवाल करता हूँ कि आप उनसे पूछिए, ऐसी क्या बात है हैदराबाद के अंदर जो 144 सेक्शन ला गया? मैं अभी निकल रहा हूँ, गांधी भवन जाऊँगा, अगर उनको गिरफ्तार करना है तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। आप क्या समझते हैं पुलिस